हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी आप इसे बनाएंगे, घर वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए चलते हैं किचन की तरफ और इजी मशरूम मसाला की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मशरूम बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम मशरूम, साथ में लिए हैं 3 प्याज और 3 टमाटर। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम मशरूम को इस तरह से कट करेंगे, बीच में से हाफ कट करके इसकी मैं लंबी लंबी स्लाइसेस कट कर रही हूँ। इन सभी को सबसे पहले हम इसी तरह से कट करके तैयार करेंगे। ये देखिए, सभी को मैंने कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, जो अभी हमने रफली चॉप किए थे। प्याज को इस तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा हम भूनेंगे। इसको हमें थोड़ा सा गोल्डन करना है। ये देखिए, थोड़े थोड़े ये गोल्डन हो गए हैं। अब इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी टमाटर। 3 टमाटर मैंने लिए हैं और इनको भी रफली चॉप किया हुआ है। टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टी स्पून। इसको भी हम प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, सभी अच्छे से भुन गए हैं। टमाटर भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी। ये देखिए, प्याज टमाटर अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसको मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है। अब इसको पीस कर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, इसको पीस कर मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस में रख दिया है। अब इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें सबसे पहले डालूंगी 2 साबुत खड़ी लाल मिर्ची। इसको थोड़ा सा चलाकर हम भुनेंगे और अब इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था। इस पेस्ट को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो करके इसको हमें बहुत ही अच्छे से भुनना है। ये टमाटर प्याज थोड़े थोड़े पकने लग गए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी हल्दी 1/2 टी स्पून। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे नमक, ये मैं डाल रही हूँ 1 टी स्पून। आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में डालेंगे धनिया पाउडर 2 टी स्पून और साथ में मैं मिलाऊंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। मसाले डालकर टमाटर प्याज को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को लो करके इसको अच्छे से हम भूनने देंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से पक गया है, तो अब इसमें मैं डालूंगी पानी 1/2 कप। पानी डालकर मसाले को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। और अब इसमें मैं डालूंगी मशरूम जो हमने अभी कट किए थे। इन सभी को एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि मशरूम और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब इसको मैं ढक के रखूंगी लगभग 15 मिनट के लिए ताकि मशरूम अच्छे से गल जाए। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मशरूम अच्छे से गल गए हैं। बहुत ही अच्छी थिक ग्रेवी इसकी बनी है। ये अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, तो अब इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। इसको हाथों में लेके इस तरह से क्रश करते हुए हमें डालना है। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। इसको डालकर हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब गैस की फ्लेम को बंद करके सब्जी को मैं बॉल में निकाल लूँगी। ये देखिए, सब्जी को मैं बॉल में निकाल रही हूँ। कितना अच्छा इसका थिक टेक्सचर आया है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, उसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। इसी के साथ मशरूम की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।